इस वक्त जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। अनेक आशीर्वाद। गुरु जी पहली तो बातचीत यही है कि आपकी भविष्यवाणी मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सभाओं में वो सत्य साबित हो गई, बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन नंबर इतना ज्यादा आपने सोचा था क्या? बिल्कुल सोचा था, मैंने जितना सोचा था वही हुआ है। और मैं जानता हूं कि सनातन धर्म का अपमान करके कोई रह नहीं सकता। एक एक बात कही जा रही है गुरु जी कि सनातन का श्राप लगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बात कही, तो आपको भी लगता है कि ये इंडी गठबंधन को श्राप लग गया सनातन का? सनातन का श्राप लग गया नहीं, जनता का श्राप लग गया। सनातन धर्म को श्राप नहीं दे सकता, वो ठीक नहीं बोला उन्होंने प्रमोद कृष्णम ने, जनता का श्राप लगा, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान जनता नहीं सह सकती। कई नेता आए गए सनातन को लेकर टिप्पणियां, माता लक्ष्मी जी को लेकर, रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, और उन पार्टियों के बड़े नेता चुपचाप सुनते रहे। सबको यही तो सबको दंड मिला। और मैं मानता हूं मित्र राकेश जी की वो 2024 में भी भाजपा 400 को पार करेगी। ये आपकी भविष्यवाणी 24 के लिए? और फिर मोदी रिपीट होंगे। हाँ,